हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, JSSC नगर पालिका के एडमिट कार्ड आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी साइट पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन ये 15-20 मिनट आधा घंटा पहले आ चुका था, क्योंकि सबके पास मेल गया होगा, मैसेज गया होगा व्हाट्सएप, मतलब आप मोबाइल नंबर जो दिए थे ना उस पर सभी के पास, जिनके जितने भी कैंडिडेट हैं सबका वहाँ पर मतलब मैसेज किया गया था। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत अच्छे से भरना होता है, क्योंकि देखिए लिंक पे मान लीजिए अभी नहीं देता, देना तो था ही लेकिन थोड़ा लेट करके देता है लिंक, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा दोस्तों नगर पालिका वाला एडमिट कार्ड आपका, अगर सेंटर कहाँ पे दिया टाइमिंग देख लीजिएगा और उस हिसाब से अपना मतलब तैयारी उस हिसाब से कर लीजिए, शरीर को उस ढांचे में बना दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग होता है कि सुबह रात को जगने का आदत, सुबह सोने का आदत है, तो वो 7 दिन के अंदर सुधारिए, ठीक है। क्योंकि आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपके एग्जाम चलने वाले, देखिएगा दिखाने वाले, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि नगर पालिका वाले का एडमिट कार्ड आ चुका हो, देख लेगा अपना, ठीक है। और ये सचिवालय के लिए बनाए वीडियो, कहने मत दोस्तों सचिवालय और नगर पालिका एक ही जैसे एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम। तो हम यहाँ पर शिफ्ट और टाइमिंग दिखाने वाले हैं सचिवालय JSSC सीजिल जितने भी छात्र तैयारी करें उसके लिए बताने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग तो देख ही लीजिएगा नगर पालिका वाले। चलिए तो दोस्तों, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चैनल आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। JSSC का कोई भी एग्जाम का तैयारी करें, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, ठीक है। ना कि सिर्फ अपडेट देता है, इस पर परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या है टाइमिंग, ठीक है। देखिए ये सचिवालय के लिए बता रहे हैं, हालांकि नगर पालिका वाले सभी को पता है, सब डाउनलोड करके देख ही लेगा अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है अपना, ठीक है। ये सचिवालय के लिए दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ छात्र को विश्वास नहीं होता है, ठीक है, तो दिखाना पड़। देखिए दोस्तों, JSSC सीजल में 3 पेपर है, ठीक है, जैसा इसमें है उसमें नगर पालिका, जिसमें जैसा नगर पालिका है वैसा सचिवालय का है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। देखिए पहला पेपर जो टाइमिंग है दोस्तों, देखिए इसका एक्स्ट्रा एग्जाम 29 तारीख को है, जिसका जो दिया हमको एडमिट कार्ड। ये देखिए 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और गेट क्लोज 8:15 में, ठीक है, 8:15 गेट खुलो। एक बार गेट लग जाएगा दोस्तों तो यकीन मानिए आपको बाहर कर देगा। आपका एग्जाम जब पहला 8:30 से 10:30 है, पहला एग्जाम 8:30 से 10:30 है, ठीक है। दूसरा खोटा पेपर, देखिए खोटा पेपर वाला स्टूडेंट है खोटा लैंग्वेज, ठीक है, ये कितना 10:30, फिर 1 घंटा के गैप है 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक। दूसरा पेपर 11:30 से भी, कहने का मतलब पहला 8:30 से 10:30, ठीक है, 11:30 से 1:30। फिर तीसरा पेपर देखिए इसका देखिए 3 से 5:30, हालांकि इसका 2.5 घंटा का पेपर है, सीजल में शायद 2 घंटा का है, तो 3 से 5 होगा उसमें, ठीक है। तो पहला पेपर सीजल वाले क्या करना है, पहला पेपर 8:30 से 10:30, पहला पेपर, दूसरा पेपर 11:30 से 1:30, ठीक है, तीसरा पेपर 3 से 5, ये तीनों पेपर आपका टाइमिंग होने वाला है, ठीक है, सीजल में वही होने वाला है, चिंता मत कीजिए। दिन भर एग्जाम चले, कहने में देखिए आपको, देखिए 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों, आप सोचिए सुबह उठिएगा 5 बजे 6 बजे जहाँ पर सेंटर होगा जाइएगा, तो मान के चलिए सुबह 7 बजे सब बिजी हो जाइएगा, ठीक है। सुबह 7 बजे जो बिजी हो जाएगा फ्री कब हो जाएगा, 5 बजे निकलते 5:30 तक फ्री हो जाएगा, मतलब 6 बजे तक, देख सकते हो टोटल पूरा पूरी 11 घंटा मतलब आपको लगने वाला है। इसलिए शरीर को तैयार कीजिए उस हिसाब से, ये नहीं कि आप रात में जग रहे दिन में पूरा सो रहे हैं, उस तरह नहीं होगा, ठीक है, उस हिसाब पर लाइए और टेस्ट मारना शुरू कीजिए। बता रहे ना आपको, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, एडमिट कार्ड आप लोग आ जाएगा, एक बार रिजेक्शन लिस्ट एक बार आ जाएगा तो आप लोग छटपटाने लगिएगा। इसलिए दोस्तों अभी भी समय है, सुधर जाइए, बता रहे ना, इधर उधर बातें सुनना बंद कर दीजिए और तैयारी कर लीजिए। बार बार हम बोल रहे हैं आपको, आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको बताना था कि क्योंकि सचिवालय परीक्षा जो है उसका टाइमिंग देखना बहुत जरूरी था, कौन सा टाइमिंग है, कितने गैप है। और दोस्तों रही बात आपका क्वेश्चन एनालिसिस, यदि क्वेश्चन पेपर मिला दोस्तों, अभी पता नहीं है कि क्वेश्चन पेपर देगा कि नहीं देगा, वो किसी को नहीं पता है। यदि क्वेश्चन पेपर दिया तो आपको जैसे कि क्या नाम है ये खोटा वाला पेपर टू में, देखो खोटा सेम सिलेबस है सचिवालय परीक्षा में और नगर पालिका परीक्षा में, सिलेबस सेम है, तो खोटा का पूरा पेपर हम करवा देंगे। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है दोस्तों, और हूबहू क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आपको सचिवालय में पूछेगा दोस्तों, देख लीजिएगा टॉपिक पता चल जाएगा ना कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। हालांकि और भी सब्जेक्ट मिलेगा हम करवा देंगे, जैसे नगर पालिका हो गया, जैसे क्या बोलते हैं पंच परगनिया हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, ये सब मिलेगा तो सब हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ करवाएंगे। नहीं भी करवाएंगे तो आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना भी पेपर लैंग्वेज पेपर जितने भी विद्यार्थी दिए हैं, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लैंग्वेज पेपर भरे होंगे ना, सब पेपर को ला के और टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। हालांकि हम खट्टा का यूट्यूब पर करवाएंगे, लेकिन बाकी सबका हिंदी इंग्लिश पंच परगनी ये सबका ये हम टेलीग्राम में डाल देंगे। और रही बात दोस्तों, आज मान लीजिए पेपर नहीं भी देगा दोस्तों, मान लीजिए कि पेपर नहीं दे रहा है कि जमा करवा ले रहा है ऑफिस के मतलब वहीं सेंटर के यहाँ जमा करवा ले रहा है, फिर भी हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन हम करवा देंगे। अब कैसे करवाएंगे वो हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के रहिएगा दोस्तों, अधिक क्वेश्चन आया दोस्तों आपको हम जरूर टेलीग्राम में शेयर कर देंगे एग्जाम के बाद, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे तैयारी करना नहीं करना है। इसलिए सचिवालय वाले परीक्षा खास करके आप लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जम के मेहनत कीजिए। नगर पालिका वाले का समय आ गया, 10 दिन का 1 सप्ताह बचा हुआ है, आप देखिए 1 सप्ताह में क्या कर पाते हैं, कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो
पहला शिफ्ट 8:30 से 10:30, दूसरा 11:30 से 1:30, तीसरा 3 से 5:30, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।